सो अदरवाइज ऑफिशियली ये मेरा वैसे पहला व्लॉग होने वाला है, लेकिन ये मेरा दोस्त है हर्ष और हम गुरुद्वारे बंगला साहिब में आए हैं, तो यहाँ बैठ के थोड़ा अभी बज रहे हैं 5:06 सुबह के 4:15 बजे से हम यहाँ पे हैं 4:15 बजे से। तो कुछ पहला जो व्लॉग होता है ऑफिशियल व्लॉग, वो थोड़ा पॉजिटिविटी से स्टार्ट होना चाहिए, तो इस करके ही बंगला साहिब गुरुद्वारे आए हम। बाकी माइक ऑर्डर हो चुका है, तो थोड़ी देर बाद ही शायद आपको जो ऑडियो, वैसे तो ऑडियोज अच्छी आएंगे अभी, और जब माइक आ जाएगा तो बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। प्रीवियस जो मेरा माइक था उसके बाद उसमें 2-3 ही वीडियो बन पाई थी, वो माइक पता नहीं कहाँ चला गया था। तो वी आर हेयर, आपको मैं अपना डे रूटीन दिखाऊंगा थोड़ा। पहले यहाँ से चलेंगे अंदर, दर्शन कराए, मत्था टेकाए हैं, और अब हमने जाना है घर की तरफ, थोड़ा सोएंगे फिर दुकान पे जाना है। बाकी आज कार भी दिखाऊंगा आपको, एक कार ली हमने और आगे हमारी वो चलनी है बुलेट, बुलेट का भी दिखाएंगे आपको। बाकी आप कुछ नज़ारे लीजिए। तो इस पे आए थे हम गुरुद्वारे, आगे से दिखा देता हूँ। A few moments later. So, अभी बज रहे हैं, आप देख सकते हो 5:58। तो शेड्यूल कुछ ऐसा था कि मैं गुरुद्वारे गया था सुबह लेट सो के, इस वजह से क्योंकि आज गाड़ी आनी है गुजरात से, तो गुजरात से जो कार आनी है वो दिल्ली में इंटर करेगी अप्रोक्स सुबह 2 बजे से, मतलब 2 AM से 5 AM के बीच। तो उनके लिए क्या कहते हैं, उस टाइम मेरे को उठना पड़ेगा, क्योंकि भैया ने गाड़ी, जो जिनकी गाड़ी है उन्होंने ड्राइवर के हाथों भेजी है, तो उनको रूम भी करा के देना है यहाँ पे, क्योंकि एक दिन वो रुकेंगे और उसके बाद वो यहाँ से, उन्होंने ट्रेन की टिकट कराई हुई है, वो उससे जाएंगे। तो इस प्रोसेस के लिए इतना, मतलब आज मेरे को दोपहर तक उठना पड़ा, तो मैं अप्रोक्स मेरे ख्याल 11 बजे तक उठा था, उसके बाद मैं सो गया था और जस्ट अभी नींद खुली है, गाड़ी लेके अभी निकला हूँ। तो अब कुछ सीन ऐसा है कि आपको कार दिखाता हूँ, ये देखिए। अब कुछ सीन ऐसा है, अभी थोड़े टाइम के लिए हमारी राइड बनने वाली है, अभी हमने ये ली है, ये है 2007 मॉडल है, और मतलब बड़ी हैंडी कार है। हमारे पास सबसे पहली कार भी यही थी, वैसे इसके बाद, इससे पहले जब मैं था, इससे पहले पापा के पास ओमनी थी, मतलब गाड़ियां तो और भी बड़ी सारी थी, लेकिन ये वाली कार मतलब पहली थी। एग्जैक्ट ये वाली कार नहीं, ये तो मैंने अभी परचेज़ करी है, ये मॉडल 2007 है, ये वाली कार मारुति 800, ये थी हमारे पास पहले। अब ये CNG ऑन पेपर है, हैंडी है, अब जहाँ कहीं जाना हो, तो अब लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ सामान वामान लाना हो तो इस पर ले आया करेंगे। बाकी अभी मैं एक ट्रेलर बनाने की सोच रहा हूँ कि कुछ सामान जब लेके आना हो तो ट्रेलर पे डाल के ले आया करेंगे, और इसके पीछे लगा दी करेंगे यार स्कॉर्पियो के पीछे। अब इस कार का क्या है कि ये इसको थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, बाकी ऐसे मैंने बहुत सारी प्रोजेक्ट कार्स हैं जो आज तक मैंने बहुत सारी जो तैयार करी हैं, आज तक बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट कार्स हैं जो मैंने तैयार करी हैं। अभी मेरे पास एक
अभी मेरे पास एक एलॉय का टायर का सेट पड़ा हुआ है जो वाइड रिम्स आते थे, तो केरला में जो जिस तरीके से मॉडिफाई करी होती है ना मारुति, वाइड रिम्स लगे होते हैं, उस हिसाब की हम वाइड रिम्स इसमें भी डालेंगे। वाइड रिम्स विद न्यू टायर्स मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरे पास एक पुराना मॉडल वैगनार थी, उसके अंदर लगाए हुए थे मैंने। बाकी मेरा माइक ऑर्डर हो चुका है, माइक आ जाएगा शाम तक, तो वीडियो की क्वालिटी में और हर चीज़ में अब फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि मेन दिक्कत अभी तो माइक की आ रही थी। वीडियो तो मैं धीरे धीरे सही करके एडिट कर ही लेता हूँ, खुद ही सब कुछ फ़ोन से करता हूँ। तो बाकी आपको आगे की प्रक्रिया दिखाता हूँ कि अभी मेरी दुकान तक जाने का और बाकी सारा क्या चल रहा है। स्टार्टिंग देखिए गाड़ी की, चलते हैं दुकान पे। मैं दुकान पे जा रहा था, सोचा ब्लॉग की वीडियो ब्लॉग कंटिन्यू करूं, आपको थोड़ा अपडेट दूं। अब कार आ रही है तो उसके लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सुबह उठना तो फिर पूरे होश में होना चाहिए ना बंदे को, क्योंकि आधी अधूरी नींद में और उठा हुआ और जो दिमाग लगाना होता है उस टाइम लगा नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे बहुत वैल्यूएबल होते हैं मेरे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आगे मतलब मेरे को मेन है काम करना है, तो रिलेशन बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को। ये नहीं है कि काम करा, पैसे कमा लिए और एक बार पैसे ले लिए फिर भूल गए, ये काम नहीं होता। तो इसलिए मैं प्रॉपरली अवेलेबल होना चाह रहा था कि उनके पास जब होऊंगा तो उनको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि इस हिसाब से 24 आवर्स की ट्रैवलिंग सिर्फ मेरे काम के लिए वो कर रहे हैं, मेरे से काम कराने के लिए। तो मैं 100% अवेलेबल रहना चाहता हूँ मेंटली भी, तो उनको सारी चीज़ें समझानी भी है तो समझाऊँगा भी, उस हिसाब से थोड़ा चलेंगे। अब थोड़ा आपको शॉप का दिखाता हूँ, और एक बुलेट है मेरे पास, उसे भी स्टार्ट करना है, काफ़ी टाइम से स्टार्ट नहीं हुई है, 87 मॉडल है, वो भी दिखाता हूँ। थोड़ा भी कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, 87 मॉडल बुलेट हो गई, एक मारुति 800 हो गई और स्कॉर्पियो हो गई, क्रूज हो गई, अभी थोड़ा क्या कहते हैं गैराज अच्छा बना हुआ है। बाकी अब फिटनेस पे क्या ध्यान देना है, क्योंकि अब लॉकडाउन में तो ये था कि जितना खाओ उतना खाओ, लॉकडाउन में तो खा रहे थे, इम्यूनिटी तो खाने से ही बढ़ती है, और उससे पहले भी यही हो रहा था। एक्चुअली क्या है, मैं दिन में 2-3 बार दूध पीता हूँ, तो मेरा बोन वेट बहुत ज़्यादा है, तो वैसे देख के लगता नहीं लेकिन मेरा 102 किलो वेट है। तो मेरे को इस पर ध्यान देना है कि वेट अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अब थोड़ा उस पर फोकस करूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या चलेगा, और आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी फिटनेस जर्नी। बाकी तो थोड़े गैजेट्स मंगाने हैं कि मतलब वीडियोस बनाने में दिक्कत ना हो, तो अभी जो हाथ से पकड़ा हुआ है अभी थोड़ा ये एक ट्राईपॉड और 2-3 चीज़ें मंगानी है, वो खुद ही हमने ज़रा मंगानी है, घर वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करना। थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊँगा, प्रोजेक्ट से तो आप मेरे को धीरे धीरे जान ही रहे हो, और जोन जोन से अभी मैंने ये सोचा कि कश्मीर वाला जो हमारी गाड़ी है वो शायद मे बी वो मैं खुद छोड़ने जाऊंगा वहाँ पे कश्मीर, तो आपको दिखाऊंगा आगे की वीडियोस, क्योंकि मेरी स्कॉर्पियो में अब मैं आगे ट्रैवल व्लॉग्स डालने की सोच रहा हूँ कि ट्रैवलिंग शुरू करूँ, और काफ़ी टाइम से मैंने ट्रैवल भी नहीं करा कहीं, कितना टाइम हो गया, और लॉकडाउन लग गया था तो मैं बाहर के रूट्स मारता था, मैं बाहर जाता था, बाहर भी घूमना शुरू करा था अच्छा वाला मैंने, फुकेत वगैरह ये अपना करबी फुकेत मलेशिया, यहाँ मैं अभी गया था लेटेस्ट, अपना मेरी दुकान का एसी का काम करता है जो, उसको ले गया था मैं साथ वहाँ पे। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है इस चीज़ में कि अगर जब कमा रहे हैं साथ कमा रहे हैं तो सबका हक बनता है, तो उसे विश्वास नहीं था कि नहीं जा सकते, हो नहीं सकता, भैया कैसी बातें कर रहे हो। मैंने उसका पासपोर्ट बनवाया, सब चीज़ें करी, ले गए थे, ले गया था उसे वहाँ पे।
तो अब आगे से थोड़ा वो शुरू करना है, ट्रैवलिंग बाहर की तो हो नहीं रही कोविड के चक्कर में, तो अब ज़रा यहाँ की देख लें, इंडिया ट्रैवल करते हैं ढंग से, क्योंकि इंडिया मैंने ट्रैवल नहीं करा ढंग से। कश्मीर गया हूँ पहले, इंडिका होती थी हमारे पास ताऊ जी की मेरे, तो उनकी इंडिका में हम गए हैं, अपना कश्मीर 2-3 बार गए हैं। आगे शॉप पे आपको शॉप दिखाता हूँ। ये कार हमारे पास आई हुई थी, तो इसको थोड़ा सा इसका सामान डिसमेंटल करके बस रख रहे हैं, क्योंकि डेंट पेंट होनी है। तो ये वो आपको दिखाई थी स्कॉर्पियो, इसकी लाइट की कटिंग वटिंग हुई हुई है, तो कल से हमारे डेंटर भाई साहब ने काम शुरू करना है, तो अब कुछ इस तरीके का माहौल है आज यहाँ। इसे ज़रा पैक करके फिर हम घर की तरफ चलेंगे, और ये रही हमारी धन्नो, छोटी धन्नो। ये प्रोजेक्ट्स जो है फालतू मतलब एक्स्ट्रा खड़े हैं, ये प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा खड़े हैं वो हैं, यहाँ पे गुरुद्वारा है, तो ये यहाँ से ये अंदर गुरुद्वारा है, यहाँ पे ये मेरी दुकान है। इतना बुरा हाल हो रखा है लॉकडाउन के बाद, आगे अब खोली है, ये वो जे के वाली स्कॉर्पियो की डिक्की, और ये कुछ हमारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, ये बड़ी सारी स्कॉर्पियो के बम्पर हो रखे हैं हमारे पास, फेंडर हो रखे हैं, थोड़ा होंडा का सामान पड़ा है, ऐसे बहुत सारे सामान हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, टायर पड़े हुए हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये वाइड रिम्स है, शायद आपको ये मारुति में डले नहीं, ये तो ये वाइड रिम्स में उसमें डालता जरूर, ये इसकी PCD वैगनर वाली है, 4 नट वाली 4 लग वाली, तो ये मारुति की अलग होती है, तो इसलिए उसमें डाली नहीं हमने। ये स्कॉर्पियो के टायर्स पड़े हैं जम्मू कश्मीर वाली के लिए मंगाए थे, ये जी राइडिंग आप देख सकते हो, पेंटर का सेक्शन वाला कुछ ऐसा हो रहा है। सो गाइस, अब कुछ सीन ऐसा है कि इधर ठीक है, शॉप आके आज थोड़ी देर के लिए खोली है, क्योंकि कल से रेगुलर ओपन कर सकते हैं, ऑडी वन बेसिस पे बताया है, पता नहीं कैसे, बाकी गाइडलाइंस शाम तक क्लियर हो जाएंगी। तो जो मैकेनिक है और पेंटर, उन्हें आने में भी टाइम लगेगा, डेंटर को मैंने बुला लिया, और आगे डेंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। मारुति 800 ये मैंने लिया 45,000 की, 2007 मॉडल है, CNG ऑन पेपर, तो ये ऐसी ले ली किसी की गाड़ी, बड़ी वेल मेंटेन थी, तो यार दोस्ती था वो, ये लॉकडाउन का हाल है। अब उसकी कार वो सेल कर रहा था, तो हमने ये ले ली 45,000 में। आपको पता आज की डेट में स्कूटी का रेट 1-1.5 लाख पहुँचा हुआ है, तो इसमें CNG भी लगी हुई है, और एक ट्रेलर बनाने की मैं सोच रहा था कि गाड़ी से कुछ गाड़ियों में जो सामान लाना होता है तो वो इससे टोचन करके ले आया करेंगे, शायद वो ट्रेलर स्कॉर्पियो से भी टोचन हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा ही बनाने की सोच रहा हूँ, तो देखते हैं क्या किस तरीके से चलता है। अभी का सीन ये है कि काम चल रहा है दुकान पे, थोड़ा साफ़ सफाई कर ली थी मैंने, कि कल हमने दुकान खोलनी थी, तो अभी तो खैर सिर्फ डेंटर और मैं हैं दुकान पे, पेंटर और मैकेनिक वगैरह तो वो अभी थोड़ा टाइम बाद आएंगे, तो तब तक के लिए अभी हम देखते हैं कि कितना काम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो फैसिलिटी जिनसे हमारा जो काम होता है डेंटिंग का, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के उससे ही होता है, तो क्या होता है अपना अब ये करा हुआ है दिल्ली में कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो गवर्नमेंट सिर्फ मैक्सिमम फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी हॉस्पिटल है कि सबसे पहले हॉस्पिटल को जाएगा, तो इसलिए अवेलेबिलिटी उसकी थोड़ी हल्की पड़ रही है, बाकी हम कर लेंगे अवेलेबल, हमने बात करी हुई है,
और देखते हैं कैसे कैसे क्या सीन बनता है, और कल से बाकी काम शुरू हो जाएंगे बाकी गाड़ियों के भी। पेंटर से भी बात करी हुई, अब देखते हैं कब आता है वो। और अभी कुछ आपको अपडेट्स यही थे कि अब मैं मारुति 800 ली लॉकडाउन के अंदर 45,000 की, और अब उसकी मॉडिफिकेशन थोड़ी करा के उसको शायद रखना है क्या सेल करना है, देखते हैं क्या करना है और देखते हैं क्या चलता है। बाकी क्या होता है कि जब मैकेनिक होता है ना, मैकेनिकल लाइन में क्या होता है, अच्छे रेटों में गाड़ियाँ मिल जाती हैं। और मैं वैसे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि जब भी आपको गाड़ी लेनी है डीलर से, ऑफिशियल कोई डीलर होते हैं उनसे लिया करो, या फिर आप ले सकते हो मैकेनिक के थ्रू। क्योंकि जो मैकेनिक चीज़ देगा ना, मैकेनिक ने क्या है कि आपका डेली काम करना है, जो आपका एक बंदा जो आपकी सारी गाड़ियों का काम आज तक करता है वो, या आपके नोन में हो जो जिसको आप जानते हो, तो वो आपको गाड़ी जो दिलाएगा वो अपनी गारंटी भी दिलाएगा। तो इसलिए मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर गाड़ी लो तो आप मैकेनिक के थ्रू लो यूज्ड, क्योंकि डीलर जो होते हैं पता नहीं होता कि गाड़ी में पीछे गाड़ी में क्या काम है क्या नहीं है, और किस तरीके का काम उसमें अभी बचा हुआ है, कोई काम मेजर ना मांग ले। अक्सर क्या होता है कि जैसे मार्केट में रेट है एक गाड़ी का 5 लाख रुपए, आप मार्केट खुद जब स्टडी करने जाते हो तो एक खुद आपके खुद आपको एक गाड़ी मिल जाए 4 लाख रुपए में, तो आप उस चीज़ को देख के खुश हो भी सकते हो और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में ये नहीं बताना आपको कि अंदर क्या काम है। मैकेनिकल काम जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, और डीलर की लाइन में भी ये होता है कि डीलर की गाड़ी बाहर से सारी साफ़ होती है, अंदर से क्या बनाया वो मतलब क्या होता है कि वो कॉस्मेटिक काम जितने गाड़ी होते हैं वो कंप्लीट रखते हैं, लेकिन अंदर से गाड़ी कूड़ा निकल सकती है। तो आप सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना, और मैं ये 45,000 की लेके आया हूँ, आपको भी पता मार्केट में 50-60-70 हज़ार तो इसका रेट नॉर्मल है ही। तो देखता हूँ अगर अभी सेल भी करूँगा तो भी मतलब 50-55 की तो आराम से सेल हो जाएगी, और 50-55 की आराम से सेल हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि मेरे बहुत सारी जगह ये काम आ सकती है, क्योंकि जो काम स्कूटी से होते हैं आजकल वो गाड़ी से हो जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया। और मारुति 800 रखने का वैसे दिल भी था, शौक सा भी था, और बाकी इसको जिस तरीके से तैयार करूँगा वो भी दिखाता हूँ। एक वैगनार जो है वो आपको बता देता हूँ, वैगनार हमने पकड़ी है 14,000 रुपये में पेंट डेंट पेंट, तो एक हमने पकड़ी है i20, वो भी हमने 16,000 में पकड़ी है। तो हम क्या करते हैं, ये नहीं है कि पैसे कम है या कुछ, तो हम ये सोचते हैं कि क्वालिटी का काम तब भी देने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं एक पेंट की, अभी पेंटर है नहीं तो मैं आपको अभी वो दिखा नहीं सकता, क्या कहते हैं क्रोमैक्स के पेंट जो होते हैं, मतलब वो अच्छी क्वालिटी है, 2K से भी अच्छी है। बाकी हम पेंट वो यूज़ करते हैं ताकि लॉन्ग टाइम रुका रहे, और उस क्वालिटी में काम देने की कोशिश करते हैं जितनी बेस्ट से बेस्ट हो सके। बाकी बहुत सारे मार्केट में बंदे अवेलेबल हैं जो सिर्फ और सिर्फ लेपा पोती वाला काम कर रहे हैं। आजकल क्या है कि पेंट की क्वालिटी उसमें थिनर ज़्यादा, मतलब थिनर में भी 3-4 क्वालिटी आती हैं, तो पेंट में फ़र्क सिर्फ पेंट, जैसे किटा एक गाड़ी पेंट कर रहे हैं 15-20 हज़ार रुपये पेंट के लेते हैं उसके, तो क्या होता है उसकी जो किट आती है वो सिर्फ आती है अपना 7-8 हज़ार की। अगर आप पेंट कराते हो उसकी किट 7-8 हज़ार रुपये की आ रही है तो बेनिफिशियल है। अब लोग क्या कर रहे हैं, 3-3 हज़ार में भी किट आती है वो ले लेते हैं, वो उसको पेंट कर देते हैं। अगर आप पहली 12-13 हज़ार रुपये ले रहे हो तो कोशिश करो कि उसको अच्छी क्वालिटी का पेंट दो। मैं किसी की भी गाड़ी तैयार करता हूँ तो उसको पहले बोल देता हूँ, देखो क्वालिटी का काम तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्वालिटी का काम क्वालिटी का ही होता है, लेकिन पेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का पेंट कराना चाहते हो। अच्छी क्वालिटी का जो पेंट होता है वो 7-8 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, और इतने की किट होती है, और 17-18 हज़ार रुपये नॉर्मल रेट होता है, 15-16 हज़ार रुपये नॉर्मल रेट होता है छोटी गाड़ी का, लंबी गाड़ी का 17-18 हज़ार रुपये होता है, और बड़ी गाड़ी का 20-22 हज़ार रुपये होता है। तो स्कॉर्पियो जो मैं करता हूँ गाड़ी पूरी, उसमें 20-22 हज़ार रुपये के करीब, 20-22 हज़ार के करीब एस्टिमेट बताता हूँ मैं पेंट का, जिसमें 2K का पेंट होता है या क्रोमैक्स वगैरह इन सब का पेंट होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि आप गाड़ी अपनी पेंट कराओ तो कम से कम 5 साल तो टिके, मतलब आप खुद सोचो इतने आप पैसे खर्च रहे हो, 50,000 के करीब कोई भी बंदा खर्चता तो वो आपको भी पता है आज की डेट में इतने पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं होती, और इतने लगाना तो बहुत बड़ी बात होती है, तो कमाने में कितना टाइम लगता है लगाने में कितना लगता है वो सबको पता है।
लेकिन एक्चुअली अगर आप इतने पैसे खर्च रहे हो तो कम से कम आपको उसकी वर्थ मिले। तो मैंने खुद बताया आपको कि ब्रोटोमोटिव जो है वो सबसे बेस्ट है इस मामले में, पेंट जॉब के मामले में। अभी जो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास जो भी अवेलेबल है क्या कहते हैं फैसिलिटी, उसके अकॉर्डिंगली हम भी अपना बेस्ट देते हैं। बस ये है कि ऐसे मैंने बहुत सारे मार्केट में देखे हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके बाद भी वो अपना बेस्ट नहीं देते। तो इस चीज़ से मैं आपको वो बस सावधान करना चाहता हूँ। बाकी अभी गाड़ी आ रही है गुजरात से, रात को पहुँचेगी, तो आपको ये व्लॉग वहाँ पे उसके आने के बाद एंड होगा। बाकी देखते हैं आगे, वीडियो एंड करने थी, टाइम 9:33, गाड़ी आनी थी सुबह 2 से 4 बजे, इनके लिए मैं सोया सोया इतना, और गाड़ी अभी आ गई और सीधा अपना वर्कशॉप पे आई है। भैया लेके आए हैं, भैया ने भिजवाई थी गाड़ी, जिन ये है अपनी गुजरात नंबर 2000 कौन सा मॉडल है भैया, ये आपको नहीं पता, ये 2008 है। कितने किलोमीटर ट्रैवल करा आपने? 950। और कहीं रेस्ट वेस्ट लिया, परेशान हुए? परेशान आधा घंटा लिया। अच्छा अच्छा, आगे वाला गांव, गुड़गांव की तरफ? हाँ। अच्छा अच्छा, बड़ी सही ड्राइविंग करके आ गया, फास्ट फास्ट बिल्कुल। ये खड़ी हमारी छोटी दन्नो न्यू मेंबर, और आ गए भैया। तो अब ज़रा व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।